कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे सब लोग। एक बहुत ही लंबी इंतजार के बाद CBPO का रिजल्ट दे दिया गया है BPSC के द्वारा। बहुत ही लंबा इंतजार आप लोगों से करवाया और लगभग 2.25 लाख से ऊपर फॉर्म इसमें डला था, गिरा था, और लगभग 96 एक लाख के आसपास आप मान सकते हैं लोग अपेयर हुए थे। उसमें 883 लोगों का फाइनल रिजल्ट आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी 883 लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन रिपब्लिका परिवार की ओर से आप सभी को। और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उन्हें भी आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपने प्रयास किया, प्रयास में थोड़ी सी कमी रही होगी, कट ऑफ ज़्यादा गया है, रिजल्ट आपका नहीं हुआ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। 67वीं BPSC का एग्ज़ाम बिल्कुल ही आपके सामने है और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा होगा। जो लोग CDPO का फॉर्म भरा है सब लोग 67वीं भरे होंगे, तो आपको अब बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप 67वीं के लिए लग जाइए, 30 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। उसको आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि जो CDPO का रिजल्ट आया है 67वीं BPSC के लिए एक क्या लेसन है, क्या मैसेज है उसका, अपने स्ट्रेटजी में आप क्या सुधार कर सकते हैं, इस रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स या और भी जो ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है वह हो सकता है वो चीज़ें आगे भी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल BPSC 67वीं BPSC के संदर्भ में CDPO और 67वीं BPSC को जोड़ करके आप देखें तो एक चीज़ तो अब क्लियर है कि क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का लेवल आपका टफ होगा। BPSC बार बार कह चुकी है कि हम UPSC को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो UPSC को फॉलो करने का प्रत्यक्ष मतलब हुआ कि क्वेश्चन का लेवल उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि UPSC का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, जबकि BPSC का अभी तक जो परंपरागत क्वेश्चन होता है वह काफ़ी फैक्चुअल टाइप का, वन लाइनर टाइप का, मतलब एक लेवल का क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है। और यही इस एग्ज़ाम की, PT एग्ज़ाम की जटिलता को बढ़ा देता है। अच्छे बच्चे भी बाहर हो जाते हैं, लकी ड्रॉ वाली चीज़ें ज़्यादा काम हो जाती है, जबकि क्वेश्चन टफ होता है तो अच्छे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, तो जबकि एवरेज स्टूडेंट्स को घाटा होता है। तो यह बात सबसे एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो निकल के आ रही है, वह बिल्कुल ही क्लियर है अब कि क्वेश्चन का लेवल आपका अब थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा UPSC टाइप का, कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि CDPO के एग्जाम में भी दिखा है। दूसरी बातें हैं कि थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन को आप देखें तो थोड़ा सा इतिहासकारों के संदर्भ में किस इतिहासकार ने क्या कहा उनको कोट करके या उनका स्टेटमेंट है प्रश्न बनाया जा रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा दिखा, पॉलिटी का क्वेश्चंस भी ठीक ठाक, साइंस का क्वेश्चंस ठीक ठाक, एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको 67वीं BPSC और आगे के BPSC में एग्ज़ाम में सरदर्दी पैदा कर सकती है। तो थोड़ी सी रणनीति को चेंज करने की आवश्यकता है। जिस ढंग से थोड़ा सा कट ऑफ पर बात कर लें, जिस ढंग से कट ऑफ 105 रहा जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, और BC में 103 रहा, EBC में 102 रहा, जो EWS है उसका 102 रहा, महिलाओं के लिए 100 रहा, EWS महिलाओं के लिए 97 रहा, SC के लिए 96 रहा। तो कुछ यही आंकड़ा है कट ऑफ का। अब आप सोचिए कि SC का जो कट ऑफ है वह 96 है, महिला का 100 है। तो आप सोचिए कि जबकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, अच्छा अच्छा लेवल था, उसके बावजूद भी
100 मार्क्स महिलाओं को करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर बीसी का 103 है, ईबीसी का 102 है, अनरिजर्व का 105 है, तो यह अपने आप में दिखा रहा है कि कैटेगरी चाहे कोई भी हो, मार्क्स कट ऑफ में कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, 1-2 मार्क्स का बस ऊपर नीचे सब है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, आप यह मान के चलिए कि आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, यह बात आप छोड़ दीजिए। रही जनरल की बातें या ओवरऑल कट ऑफ की बातें, तो 105 क्वेश्चन करना, और यह एक कट ऑफ है, मतलब जो मिनिमम है जिस पर लिया गया है। बहुत सारे लोग उसमें 108, 110, 112 भी किए होंगे, ठीक है। और होता क्या है, एग्जाम में चीज़ों को समझिए कि जो कट ऑफ जो डिसाइड होता है तो ऊपर से डिसाइड, यानी जो टॉपर्स है उसका मार्क्स डिसाइड करता है कट ऑफ। नीचे मान लीजिए सीडीपीओ में 96,000 लोगों ने अपीयर हुआ, ठीक है, उस 96,000 में 883 रिजल्ट आए, मान लीजिए 1,000 रिजल्ट मान लीजिए, ठीक है, तो 96,000 लोगों ने फॉर्म भरा और 1,000 का रिजल्ट आया, ठीक है, आया तो कम है लेकिन मैं ज़्यादा मान के चल रहा हूँ, तो बाकी 95,000 लोग रिजेक्ट हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 96,000 में ऐसे 883 स्टूडेंट्स जो ऊपर से टॉप कर रहे थे उनको लिया गया है। और आप बताइए कि किसी भी एग्ज़ाम में 883 या फिर मान लीजिए 67वीं में कुछ ज़्यादा रिजल्ट होगा, वहाँ पर हो सकता है आपका 8,000 10,000 रिजल्ट रहेगा, मतलब एटलीस्ट 10,000 तो रहेगा वहाँ पर, ठीक है। तो सीडीपीओ के संदर्भ में देखें तो 96,000 यानी लगभग 1,00,000 होता है, 1,00,000 में 1,000 का मान लीजिए सिलेक्शन होता है, बाकी 99,000 यानी 100 में 99 लोग बाहर, केवल 1% अंदर हो रहा है। ये पीटी की बातें हैं, फाइनल रिजल्ट की बातें नहीं। तो अब ऐसे एग्ज़ाम में 1,00,000 बच्चा बैठता है और उसमें 1,000 जो ऊपर से टॉप कर रहा है उसको लिया गया है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में यही होता है। अब होता क्या है, देखिए अब ऐसे 1,000 लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, मान लीजिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में अंतर है, जो बिहार का यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में, लेवल में, क्वालिटी में, टीचर में, सिस्टम में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उसमें, एक माहौल में, मतलब हर एक स्तर पर, मीडियम में, हर एक स्तर पर ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सेलेक्शन रेशियो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो मान लीजिए बेरोज़गारी तो वहाँ भी है, ड्यू के बच्चों की भी, ऐसा तो नहीं कि मतलब बीए एमए करने का उनका रिजल्ट आ जाता है, मतलब कैंपस सिलेक्शन होता है, ऐसा तो नहीं है। तो वो लोग चूँकि बीपीएससी लगातार एग्ज़ाम अब ले रही है तो लोग इधर बिल्कुल ही आकर्षित भाव से देख रहे हैं, एक मतलब बड़ी अपेक्षा के भाव से मतलब बीपीएससी को देख रहे हैं कि चलो एटलीस्ट कम से कम नहीं यूपीएससी तो कम से कम बीपीएससी तो हो जाए। चीज़ों को ध्यान से समझिए कि कैसे रिजल्ट अब डे बाई डे प्रभावित हो रहा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मान लीजिए ड्यूज में सिर्फ 2,000 लोगों ने ही फॉर्म भर दिया और उनकी तैयारी ठीक ठाक है, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, बीएचयू के स्टूडेंट हैं, कई सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे तो 4,000-5,000 बच्चे तो हैं ही, मतलब मिनिमम की बातें मैं कर रहा हूँ उस सीडीपीओ में, उस 96,000 या 1,00,000 के स्टूडेंट्स में। तो वो डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि वो ऊपर से उनकी तैयारी अच्छी है, वो टॉपर्स हैं, तो वो डिसाइड कर देते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। उनकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो 105 क्या हो सकता है, 108 हो जाए, 110 हो जाए। और कुछ यही सीन आपकी बीपीएससी में होने जा रहा है,
ठीक है, उसमें रिजल्ट ज़्यादा आएगा चूँकि सीट ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी तो ज़्यादा है ना, 6 गुना एप्लीकेंट है, ये भी तो आप समझिए, 6 गुना एप्लीकेंट है, मतलब यहाँ पर 96,000 था तो वहाँ पर 6 लाख प्लस में लोगों ने फॉर्म भरा है, तो लोग तैयारी भी ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, चलो CDPO में तो एटलीस्ट 55 सीट है, तो यह मान करके कि पता नहीं मतलब होगा नहीं होगा, उतनी सीरियसली मतलब लोगों ने नहीं दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन 67वीं में चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट अच्छा खासा है, तो लोगों की तैयारी और उस पर फोकस होकर के काफ़ी ज़्यादा टाइम भी काफ़ी अच्छा मिल गया है आप लोगों को। कुल मिलाकर के 67वीं BPSC PT का जो एग्ज़ाम होगा वह काफ़ी टफ होने जा रहा है, ऐसा न हो कि सारी आपकी अब तक की तैयारी पर पानी फिर जाए, थोड़ी सी लास्ट टाइम का एक गलती के कारण, अभी भी टाइम है, आज 12 सितंबर को रिजल्ट आया है CDPO का, आज 13 सितंबर है, अभी आपके पास 17 दिन टाइम है, तो इस 17 दिन में बहुत अच्छी तैयारी आप 67वीं BPSC का हो सकता है, आप उससे सीख लीजिए और बस मेहनत को आपको बढ़ाना होगा। करंट में बार बार कह रहा हूँ, करंट को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करेंगे, रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर भी मतलब करंट की सारी चीज़ें डाली हुई है, उस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, रिपब्लिका ऐप को, वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब करंट का मैटर से लेकर के क्वेश्चन बैंक फिर क्वेश्चन सर फॉर्मेट में है विथ आंसर, तो सारी चीज़ें टेस्ट फॉर्मेट में सारी चीज़ें वहाँ पर डाला हुआ है, 2 साल का इकोनॉमिक बजट सर्वे, 2 साल का करंट, ताकि कुछ भी डे बाई डे का पेपर से कवर किया हुआ है तो कुछ भी छूटेगा नहीं, तो करंट को अच्छे ढंग से करना है और बिहार को अच्छे ढंग से, दो एरिया को बहुत ही अच्छे ढंग से करना होगा, ठीक है, तब आपका निश्चित रूप से 2-4-5 क्वेश्चन की और एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, जितना आप मान के चलिए 67वीं BPSC में भी कट ऑफ, जैसे आपने देखा होगा 66वीं में कट ऑफ काफ़ी बढ़ गया था, 108 हो गया था, तो क्या ठिकाना, जबकि सीट तो ठीक ठाक वहाँ पर था, क्या ठिकाना इस बार कुछ 110 के आसपास का कुछ सीन बन जाए। दूसरा है कि 150 क्वेश्चन नहीं होता है BPSC में, कहने को 150 है, लेकिन जिस ढंग से वह बहुत सारे आंसर क्वेश्चन का आंसर वह ई डाल देता है और चीज़ों को मैनिपुलेट करके, अब जो ई का सीन है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का ई मतलब मैनिपुलेट बहुत ईजिली किया जा सकता है कि नन ऑफ दीज एंड मोर देन वन, अगर कोई आंशिक रूप से भी सत्य हो रहा है तो मोर देन वन, नहीं हो रहा है तो नन ऑफ दीज, मतलब अगर क्वेश्चन ही गलत है तो फिर भी ई ऑप्शन, तो ऐसे कंडीशन में ई ऑप्शन एक बहुत बड़ी सरदर्दी है आपके लिए, और एक्चुअल में वो 150 क्वेश्चन नहीं 140 क्वेश्चन ही है, ठीक है, उसमें जिनकी मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप मान के चलिए आप 135 क्वेश्चन ही है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हल्का होता है तो इसलिए और भी टफ हो जाता है। चलो BPSC करें कि क्वेश्चन का लेवल अब हार्ड होगा या फिर UPSC को फॉलो करेंगे तो ये अच्छी बातें हैं, लेकिन एकाएक झटका लगेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डाल दे, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन डाल देगा, तो फिर इसमें आप कहीं ना कहीं आपकी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, आप नर्वस होकर के 2-4-5 क्वेश्चन आप ह्यूमन मिस्टेक्स ह्यूमन एरर जो होता है आप ज़्यादा कर, तो इन चीज़ों से आपको बचना है, एक तो तैयारी अच्छी रखनी है और आप टेस्ट दीजिए ताकि गलतियां ना हो, ह्यूमन एरर से वहां पर बचा जा सके, ठीक है, तो बस यही है कि इस CDPO के रिजल्ट से आपको सीख लेनी है 67वीं BPSC, बाकी जो CDPO लोग जो क्वालिफाई किए हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को और आप लग जाएंगे आगे, लेकिन BPSC का 67वीं BPSC का एग्ज़ाम देने के बाद आप लगेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेंस में, और